तो हे गाइस, इंस्टाग्राम के अंदर अभी एक न्यू अपडेट आ चुका है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि न्यू अपडेट आने वाला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इंस्टाग्राम की तरफ से अभी एक अनाउंसमेंट किया गया है, पोस्ट किया गया है, एंड इस पोस्ट में लिखा हुआ है न्यू, यानी ये न्यू अपडेट आया है। अभी देख सकते हैं आप, ये 2 घंटे पहले ये अपडेट आया है। यहाँ पर लिखा हुआ है गिफ्ट्स ऑन इंस्टाग्राम, अब इंस्टाग्राम के ऊपर आपको गिफ्ट्स मिलने वाला है। देन अब आपको इसको हम यहाँ पर स्लाइड करके दिखाते हैं कि दूसरे पोस्ट में क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है गिफ्ट ऑन इंस्टाग्राम, यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर इंट्रोड्यूसिंग गिफ्ट्स ऑन इंस्टाग्राम स्टार्टिंग विथ रील्स सो क्रिएटर्स हैव ए न्यू वे टू अर्न मनी फ्रॉम फैन हु लव देयर रील्स। अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब ये होगा कि हम इंस्टाग्राम पर गिफ्ट पेश कर रहे हैं जिसकी शुरुआत रील से हो रही है, ताकि क्रिएटर्स के पास अपने रील्स को पसंद करने वाले प्रशंसकों से पैसे कमाने का नया तरीका हो सके। देन अगर इसको हम लोग यहाँ पर स्लाइड करते हैं तो यहाँ पर ये इंटरफेस दिया हुआ है कि हमारा जो गिफ्ट्स होगा इंस्टाग्राम पर वो कैसा देखने में होगा। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इस तरीके से आपका जो गिफ्ट होगा वो देखने को मिलेगा। तो अभी मैं आपको वो भी चीज़ यहाँ पर रील्स के ऊपर सेंड गिफ्ट वाला ऑप्शन भी दिखाने वाला हूँ, एंड बताऊँगा कि ये सेंड गिफ्ट वाला ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा एंड स्टार वाला ऑप्शन आपको कहाँ मिलने वाला है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है टू सपोर्ट देयर फेवरेट क्रिएटर्स फैन कैन सेंड गिफ्ट ऑन इंस्टाग्राम बाई परचेजिंग स्टार्स विद इन इंस्टाग्राम। अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है अपने पसंदीदा क्रिएटर्स का समर्थन करने के लिए व्यूअर्स इंस्टाग्राम में स्टार खरीद कर रील्स पर उपहार भेज सकते हैं, यानी गिफ्ट भेज सकते हैं। अब अगर इसको स्लाइड करते हैं, चौथे पोस्ट पे आते हैं, तो यहाँ पर गिफ्ट ऑन इंस्टाग्राम का एलिजिबिलिटी बताया हुआ है कि क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, तब आपको गिफ्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है वी स्टार्टेड टेस्टिंग गिफ्ट्स लास्ट ईयर एंड हैव नाउ एक्सपेंडेड टू मोर क्रिएटर्स इन द US। अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है हमने पिछले साल गिफ्ट का परीक्षण शुरू किया है, अब US में अधिक क्रिएटर तक ये विस्तृत हो गया है, यानी US में अभी ये चीज बहुत सारे लोगों को मिल चुका है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है फोर नाउ क्रिएटर्स नीड टू बी ओवर 18 ईयर ओल्ड एंड US बेस्ड। इसका हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है अभी के लिए क्रिएटर्स की आयु 18 वर्ष से अधिक और US आधारित होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि आपका जो अकाउंट है वो 18 प्लस होना चाहिए। अगर 18 से कम आपका एज है एंड आप लोग अपने इंस्टाग्राम के अंदर 18 से कम एज डाले हुए हैं तो आपको ये फीचर नहीं मिलने वाला है। एंड ये जो अभी है US में लॉन्च हुआ है, इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुआ है, सो आप लोग कुछ दिन का वेट करेंगे तो इंडिया में भी ये चीज़ आपको देखने को रील्स के ऊपर मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर बोला जा रहा हैव ए प्रोफेशनल अकाउंट, इसका मतलब है कि आपका जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। देन आपको नीचे दिख रहा होगा एक्टिव रील प्रोड्यूसर, इसका मतलब है कि आप जो है एक्टिव हो, इंस्टाग्राम पर एक्टिव रील पोस्ट करते हो। उसके बाद आपको नीचे देखने को मिल जाएगा पास योर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी एंड रिमेन कंप्लेंट विथ इंस्टाग्राम कम्युनिटी गाइडलाइन। अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है हमारी भागीदारी मुद्रीकरण नीति पास करे और इंस्टाग्राम समुदाय दिशा निर्देशों का अनुपालन करे। इसका ये कहने का मतलब है हमने जो गिफ्ट्स वाला ऑप्शन लॉन्च किया है उसको आप लोग यूज करें एंड उससे पैसे अर्न करें, एंड यहाँ पर जो गाइडलाइन है उसका भी आप लोग पालन करें। उसके बाद जो लास्ट में लिखा हुआ है चेक योर एलिजिबिलिटी बाय गोइंग टू योर प्रोफेशनल डैशबोर्ड, अब आप लोग अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाकर अपने एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो कि आपको ये गिफ्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमें अपने होम स्क्रीन पर जाना होगा, यानी अपने प्रोफाइल में जाना होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर बोला गया था कि प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए, तो इसके लिए आपको प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपको प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करने नहीं आता है तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन आई बटन पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, सो आप लोग उस वीडियो को देख कर सीख सकते हैं कि प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब जैसे इंडिया में यहाँ पर गिफ्ट्स वाला ऑप्शन लॉन्च हो जाएगा तो यहाँ पर आपको गिफ्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे ये चारों ऑप्शन दिख रहा है उसी तरीके से आपको गिफ्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ से आप लोग गिफ्ट को इनेबल कर सकते हो। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि कैसा होगा हमारा गिफ्ट वाला ऑप्शन, एंड रील पर भी चल के दिखाऊंगा कि रील पर कैसा देखने में लगेगा गिफ्ट वाला ऑप्शन। अब जैसे इंडिया में ये गिफ्ट वाला ऑप्शन लॉन्च हो जाएगा तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि गिफ्ट्स कैसे
हमें इनेबल करना है, इंस्टाग्राम के अंदर स्टार कैसे इनेबल करना है। अब आपको यहाँ से मैं एक रील पर ले चलता हूँ एंड उस रील पर दिखाऊंगा कि यहाँ गिफ्ट वाला ऑप्शन देखने को किस तरीके से मिलने वाला है। अब जैसे मैं यहाँ पर रील ओपन करूँगा या फिर आप लोग रील ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर सेंड गिफ्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पर सेंड गिफ्ट वाले ऑप्शन पर अगर क्लिक करेंगे तो हमें गिफ्ट का ऑप्शन इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस तरीके का 300 तक हम लोग स्टार सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर बोला जा रहा है ऐड टू बैलेंस। अगर यहाँ पर हम लोग बैलेंस ऐड करते हैं अपने फ़ोन पे, गूगल पे या फिर जो भी पे से आप लोग यूज करना चाहते हैं, यहाँ पर पहले इसको रिचार्ज करना होगा, उसके बाद आप लोग किसी को गिफ्ट सेंड कर सकते हो। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 95 रुपये में हम लोग 45 स्टार सेंड कर सकते हैं। देन यहाँ पर 218 रुपये में यहाँ पर 140 स्टार सेंड कर सकते हैं। देन आप लोग नीचे देख सकते हो 550 रुपये में 300 हम लोग स्टार सेंड कर सकते हैं। अब जैसे इंडिया में ये चीज़ लॉन्च हो जाएगा तो मैं इस पर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि मैं जैसे इस पर वीडियो बनाऊँ आपको सबसे पहले हमारे वीडियो देखने को मिल जाए। एंड आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये न्यू अपडेट कैसा लगा एंड ये न्यू अपडेट आने से आपकी जो है वो मनी इनकम बढ़ जाने वाली है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना एंड अपने इंस्टाग्राम को अपडेट करते रहिएगा ताकि ये जो न्यू अपडेट है कब आपको मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपको चेक करते रहना कि आपका जो इंस्टाग्राम है वो अपडेट मांग रहा है या नहीं। अगर आपका इंस्टाग्राम अपडेट मांगे तो उसको अपडेट करते रहना है।